तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम दिसंबर मंथ में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और नए सिलेबस पर आधारित है। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को या आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप टेस्ट को ज्वाइन करिए जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिले, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड ही कर लिया होगा। और ये CCC एग्ज़ाम के लिए मैंने वेबसाइट बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी आपको CCC एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बाद में इसे ओपन करके यहाँ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर हमें ज्वाइन हो सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आज के टेस्ट की बात करते हैं। आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन वो है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 5 नवंबर, बी नंबर 10 दिसंबर, सी नंबर 2 दिसंबर, डी नंबर 1 जनवरी। जिन स्टूडेंट को इसका राइट आंसर मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 दिसंबर। अभी कुछ ही देर पहले 2 दिसंबर था, तो उसी दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस था। ठीक है, तो आपको ये हमेशा क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसी मंथ का ये क्वेश्चन है, 2 दिसंबर चल ही रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ए नंबर है अंडरस्टैंडिंग, बी नंबर कंट्रोलिंग, बी नंबर प्रोसेसिंग, डी नंबर इनपुट। तो आई होप इसका राइट आंसर आप लोगों को शायद मालूम ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर खुद समझ नहीं सकता, ठीक है, कोई भी जैसे कि सोचने की क्षमता उसमें नहीं होती, जो आप इनपुट देंगे उसको प्रोसेस करेगा, जो भी उसका एक्यूरेट रिजल्ट होगा वो आप तक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग कंट्रोलिंग इनपुट हो सकता है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। ए नंबर इंटरनेशनल बिजनेस मॉनिटर, बी नंबर इंडियन बिजनेस मशीन, सी नंबर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IBM जो है बहुत बड़ी कंपनी है जो कि कंप्यूटर और बहुत सारे पार्ट डेवलप करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है। ए नंबर रिपोर्ट ट्रांसफर ग्रुप स्टेटमेंट, बी नंबर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और सी नंबर रियल ट्रांजेक्शन ग्रोस स्टेटमेंट, डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है तो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। नंबर एक एप्पल ने, बी नंबर एसर ने, सी नंबर डेल ने, डी नंबर इंटेल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंटेल ने किया था। ठीक है, आपने अगर लैपटॉप खरीदा होगा तो आपको वहाँ पर एक आप लोगों को छोटी सी स्टिकर देखने को मिलेगा जिस पर इंटर लिखा रहता है, तो वही वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI विस्तृत रूप क्या होता है। UPI का जो विस्तृत रूप होता है क्या होता है। नंबर एक यूनिवर्सल पेमेंट इंटरनेट, बी नंबर यूनिटी पे इंटरफेस, सी नंबर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से बैंक के नेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ए नंबर HDFC, बी नंबर PNB, सी नंबर SBI, डी नंबर आल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आल, क्योंकि जो ये सभी बैंक के नेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं इसमें से। ठीक है, जो भी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्रो ऑफिस क्लर्क फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ लेना है। ठीक है, नंबर एक है .xlss, बी नंबर है .dis, सी नंबर है .ods, डी नंबर .txt। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो लिब्रो ऑफिस से हो सके जितने भी क्वेश्चन आप रट के जाइए, क्योंकि लिब्रो ऑफिस से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी नंबर .ods। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद कई बार बताया है। नंबर एक भारत, बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर इंग्लैंड, डी नंबर जापान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार चीटिंग क्या होता है। नंबर एक आधार कार्ड से पैसे निकालना, बी नंबर बैंक खाता से आधार लिंक करना, सी नंबर है आधार कार्ड से गैस कनेक्शन करवाना, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो आधार सीडिंग होता है उसको हम कहते हैं बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, बैंक खाता से आधार लिंक करना, ठीक है, सीडिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएफएस का पूर्ण रूप डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि डीएफएस का फुल नेम होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी के द्वारा पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस, ठीक है, यूपीआई सब के थ्रू पैसे ही ट्रांसफर किए जाते हैं, राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ट्रू। आप क्वेश्चन का मतलब पढ़ लीजिएगा तब उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि बीच में नहीं भी हो जाता है तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फाल्स या ट्रू, तो आपको पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रेऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा अगर आपके पास लिब्रेऑफिस सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बी नंबर, ये सही है शॉर्टकट कीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, फाइल भेजने के लिए HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों फाल्स, क्योंकि जो फाइल भेजने के लिए वो FTP यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये FTP प्रोटोकॉल, यहाँ पर है HTTP इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप को 2017 में रिलीज किया गया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर ट्रू जी, 2017 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल एक वेब ब्राउजर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। अब फाल्स क्यों होगा, क्योंकि गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन होता है ना कि वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर आपके क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब होते हैं, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, याहू, गूगल, ठीक है, सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस एन होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों फाल्स। अब आप सोच रहे होंगे तो कंट्रोल एन से ही तो नया पेज इंसर्ट किया जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है न्यू स्लाइड की, यानी कि पावर पॉइंट की बात हो रही है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फाल्स हो जाएगा, क्योंकि जो पावर पॉइंट में आप न्यू अगर स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल एम प्रेस करेंगे ना कि कंट्रोल एन, ठीक है, स्लाइड करने के लिए, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपके फाइल सेव करते हैं, जब आप फाइल सेव करते हैं तो नाम देना चाहिए, तो भैया बिना नाम के कोई सेव फाइल सेव ही नहीं होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, तो भैया नाम तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ट्रू, ISDN सर्किट नेटवर्किंग का उदाहरण होता है या एग्जाम्पल होता है, सभी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर कीज प्रेस करने पर न्यू अनुच्छेद आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या ट्रू। अब आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद का मतलब वही तो एंटर, यानी दूसरी लाइन में, इंटर की आप प्रेस करेंगे तो दूसरी लाइन में आ जाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं CCC से रिलेटेड तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।